मैन एंड वुमेन, फिटनेस, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड रियल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस यानी दौड़ने के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे, जो लोग तेज दौड़ना चाहते हैं और ज्यादा लंबी दौड़ दौड़ना चाहते हैं, तो वे लोग ज्यादा तेज और ज्यादा लंबी दौड़ कैसे दौड़ें, और जिन लोगों की सांस फूल जाती है जरा सा दौड़ते ही, तो वे लोग क्या करें। फ्रेंड्स, दौड़ने के क्या क्या फायदे हैं और दौड़ने से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारी रेस बेनिफिट्स से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फ्रेंड्स, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हड्डियां, फेफड़े, हार्ट और बॉडी के सभी पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। दौड़ना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दौड़ने से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। फ्रेंड्स, फास्ट रनर वही लोग बनना चाहते हैं जो किसी दौड़ में हिस्सा लेकर नंबर वन पोजीशन पाना चाहते हो, या फिर कोई आर्मी या पुलिस की नौकरी की तलाश में हो। आर्मी हो या पुलिस, कम टाइम में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। आर्मी में लगभग 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन कई लड़के तो 4 मिनट में ही इतनी दूरी तय कर लेते हैं। अगर आप भी उन लड़कों के जैसा बनना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में बताई गई हर एक टिप्स को फॉलो जरूर करें। टिप्स नंबर 1, दौड़ने से पहले आप वार्म अप जरूर करें। वार्म अप करने के लिए आप हाई नीज स्किपिंग बैकवर्ड रनिंग करें। जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से करना है। इस तरीके से आपकी रनिंग स्पीड बढ़ेगी और आप तेज दौड़ पाएंगे, क्योंकि इससे जांघ मजबूत बनती है और इस तरीके से आपको लंबी दौड़ लगाने में भी आसानी होगी। टिप्स नंबर 2, वार्म अप करने के बाद आप स्ट्रेचिंग जरूर करें। इससे आपकी टाइट मसल्स लूज होती है, जिससे फास्ट रनिंग यानी तेज दौड़ने में आसानी होती है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रहे, जब भी आप कोई भी भारी काम या एक्सरसाइज करें तो आपको वार्म अप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मांसपेशियों में अकड़न, चनका और चोट लगने से बच सकेंगे। वार्म अप करने के बाद ही स्ट्रेचिंग करें। टिप्स नंबर 3, फ्रेंड्स, जब भी आप दौड़ेंगे तो आपका पैर जमीन पर फ्लैट यानी सीधा पड़ेगा। आप अपने पैर के पंजे और एड़ी को बिल्कुल सीधा जमीन पर रखेंगे और ऐसे ही आखिर तक दौड़ेंगे, और जब आखिर में आपकी दौड़ के 100-200 मीटर बचेंगे, तब आपको लगेगा कि अब आपको तेज दौड़ना चाहिए। तब आप अपने पैर के पंजे के सहारे से दौड़ेंगे, यानी कि तब आप अपने पैर के पंजे को जमीन पर रखकर दौड़ेंगे। अगर आप शुरू से ही पैर के पंजे पर दौड़ेंगे तो आप ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकेंगे, क्योंकि पैर का पंजा जमीन पर रखकर दौड़ने से थोड़ी ही देर में आपका पैर भारी होने लगता है। टिप्स नंबर 4, फ्रेंड्स, तेज दौड़ने में आपके हाथ का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपने हाथों को जितनी भी तेज मूव करोगे, आप उतनी ही तेज दौड़ पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने हाथों को जितनी भी तेज चला सकते हो उतनी ही तेज चलाओ। इस तरीके से आपके दौड़ने की स्पीड बढ़ेगी। टिप्स नंबर 5, फ्रेंड्स, जब आप दौड़ेंगे तो आपके कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, और आप अपने कंधों को कान के पास तक ना खींचें, और आपका जबड़ा बिल्कुल लूज यानी ढीला होना चाहिए, और आपके दांत टाइट नहीं होने चाहिए यानी के बिल्कुल फ्री होने चाहिए, और आपकी निगाह बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा करने से आप अपने हाथों को आसानी के साथ तेजी से हिला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से दौड़ेंगे तो आपके दौड़ने की स्पीड भी तेज होगी और आपको ज्यादा दूर तक दौड़ने में जरा सी भी कोई परेशानी नहीं होगी। टिप्स नंबर 6, फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात, आपकी रेस चाहे कितनी भी लंबी हो या फिर तेज दौड़ने की हो, दौड़ने में सबसे बड़ा रोल होता है सांस का।
कि आप सांस कैसे लेते हो और कैसे छोड़ते हो। फ्रेंड्स, अक्सर लोगों का यही सवाल होता है कि जरा सा दौड़ते ही हमारी सांस फूल जाती है और ना ही हम तेज दौड़ पाते हैं और ना ही लंबी दौड़ पाते हैं। फ्रेंड्स, रेस में जितना आप अपने भागने पर ध्यान देते हो उतना ही आपको अपने सांस पर ध्यान देना होगा। फ्रेंड्स, जब आप दौड़ते हो तो नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। ऐसा करने से आप ज्यादा दूर तक बिना किसी परेशानी के दौड़ पाएंगे। और जब आपकी सांस फूल जाए तब आप अपने मुंह से सांस लें और नाक से छोड़ें। फ्रेंड्स, वार्म अप करने के बाद ही आप रेस लगाएं, जबकि सांस फूलने का ये भी एक कारण है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को दौड़ने में सांस की प्रॉब्लम है तो वे लोग दौड़ने से 5 मिनट पहले गहरी गहरी सांस लें, नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। अगर आप ऐसा 1 महीने तक करोगे तो दौड़ते हुए आपका सांस जरा सा भी नहीं फूलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, दौड़ते हुए अगर आपका सांस नहीं फूलेगा तो आप फिर जितना चाहें उतना दौड़ सकते हो। टिप्स नंबर 7। फ्रेंड्स, दौड़ते हुए आपकी टांगों का मजबूत होना और आपके अंदर वेट कम होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपकी टांगे मजबूत हैं और वेट भी कम है तो आप इतनी तेज दौड़ सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आप अपनी टांगों को मजबूत करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो। नंबर 1, स्क्वैट। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में आपको बिना वेट लिए स्क्वैट एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आप रोजाना कर सकते हो। इस एक्सरसाइज से आपकी टांगे मजबूत बनेंगी और आपकी रानों का और पेट का भी फैट लॉस होगा। फ्रेंड्स, जो रेस लगाते हैं उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। और इसके साथ साथ आप टांगों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे रस्सा कूदना, सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। ये एक्सरसाइज भी आपकी टांगों को मजबूत बनाती है और साथ ही आपका स्टेमिना भी बूस्ट करती है। नंबर 2, पुशअप। फ्रेंड्स, पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी पूरी बॉडी का फैट लॉस करती है और आपकी बॉडी को एक अच्छी फिटनेस भी देती है। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को सही तरीके से कैसे करें इसके बारे में जानने के लिए आप हमारी पुशअप मिस्टेक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फ्रेंड्स, पुशअप की एक्सरसाइज से आपकी एनर्जी और स्टेमिना इंक्रीज होता है और इस एक्सरसाइज को डेली करने से आपकी बॉडी में ताकत भी बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों एक्सरसाइज को आप रोजाना करें। जब भी आपके पास टाइम हो और आपका पेट थोड़ा खाली हो तो आप इन एक्सरसाइज को जरूर करें, क्योंकि दौड़ने के लिए आपकी बॉडी को स्टेमिना की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, सांस का अच्छा होना जरूरी होता है और टांगों के अंदर भी ताकत होनी जरूरी होती है, जो कि इन दोनों एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी में ये सारी चीजें इंक्रीज होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छे रनर्स बनना चाहते हैं तो ये दोनों एक्सरसाइज बिल्कुल मिस ना करें। टिप्स नंबर 8। फ्रेंड्स, दौड़ लगाने में आप अच्छी कंपनी वाला ही शूज इस्तेमाल करें और शूज आप अपने पैर से थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा चौड़ा लें, यानी कि थोड़ा सा ढीला लें, क्योंकि टाइट या फिटिंग वाले शूज पहनने से ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे आपके पैर के पंजे और एड़ी तक खून पहुंच ही नहीं पाता है और आपका पैर सुन हो जाता है, जिससे आप ज्यादा दूर तक तेजी से दौड़ नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, आप अपने पैर के हिसाब से थोड़ा ढीला ही शूज लें। तो फ्रेंड्स, ये वो मोटी मोटी बातें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखकर फॉलो करोगे तो आप 2 महीने में ही एक अच्छे रनर्स बन जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रेस लगाने से पहले क्या खाएं और रेस लगाने के बाद क्या खाएं, और साथ ही रेस लगाने वालों के लिए एक अच्छा डाइट प्लान भी बताएंगे, जिससे कि आप 1 नंबर 1 रेसर बन सकें। तो फ्रेंड्स, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।